हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काव्या जानी एंड कवन जानी। आपके पास भी ऐसा पेडल सूट पड़ा होगा तो आज मैं उससे कुछ बना के दिखाऊंगी और बीच में कुछ टिप्स भी दूंगी, तो स्किप मत करना, एंड तक मेरी वीडियो जरूर देखना। चलो अब इसे यहाँ से सिलाई निकाल लेंगे। ये सिलाई निकालने के लिए काम आता है, ये बहुत यूजफुल है। अब मैंने यहाँ से सिलाई निकाल ली है और पीछे भी ऐसे सिलाई निकाल ली है। अब क्या करना है, ये ऊपर के दोनों हिस्से को ऐसे जॉइंट कर देना है, यहाँ सिलाई कर देना है। वैसे नीचे के हिस्से को भी ऐसे सिलाई कर देना है। अब देखिए, मैंने यहाँ सिलाई कर ली है, आगे भी और पीछे भी। अब क्या करना है, अब ये यहां से लेके वहां तक सिलाई करना है। वो सिलाई ऊपर ही करना है, अंदर नहीं करना है, वो खास याद रखना है। अब ये बेल्ट को यहां से ऐसे खोल देना है, फिर ऐसे यहां नीचे से उसकी सिलाई निकाल देना है। इससे एक ही बेल्ट को ऐसा करना है, दोनों बेल्ट को नहीं करना है। अब मैंने ये बेल्ट को यहां पीछे से ऐसे सिलाई निकाल ली है, उसको अलग कर दिया है। अब ये बेल्ट को निकालना नहीं है, उसमें ये बटन लगा हुआ है उसको भी नहीं निकालना है। उसको दूसरी साइड ऐसे होल करके, ऊपर जैसा होल है ऐसा पीछे होल करना है और उसको वहां लगा देना है पीछे की साइड में। अब ये दूसरा बेल्ट है, उसमें जो बटन लगा था उसको होल में ऐसे डाल देना है। अब ये दूसरी साइड जो हमने सिलाई निकाली थी उसको ऐसे आगे नीचे की साइड रखकर ऐसे वहां सिलाई कर देना है। देखिए, हमारा प्यारा सा बैग बनके तैयार हो गया है, कितना सुंदर दिख रहा है ना। देखिए, ये मैंने जींस का पेडल सूट पड़ा था उससे ये बैग बनाया है, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। उसमें मैंने ये बेल्ट में से बटन निकाल लिया था और वहां सिलाई कर दिया है। देखिए, इसमें मैंने ऐसे चेन लगा दिया है तो अंदर से कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकलेगी, और अंदर भी मैंने देखिए अंदर भी पॉकेट बनाया है। एक चेन वाला पॉकेट बनाया है और एक बिना चेन का ऐसे पॉकेट बनाया है, तो आप उसमें पैसे रख सकते हैं, कुछ भी सामान, मोबाइल या चार्जर कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, ये मैंने तीसरा बैग बनाया है, वो भी ऐसे पेडल सूट से ही बनाया है। उसमें ये बेल्ट में मैंने सिलाई कर दी है, देखिए सब जगह सिलाई कर दिया है। वो जो बटन निकला था वो मैंने ऐसे पीछे रख दिया है, उसको ऐसे आगे के होल में ऐसे पास कर देंगे तो हमें चेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से कोई भी सामान नीचे नहीं गिरेगा, तो ये भी बहुत सुंदर दिखता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना।